नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। आज पटना में बारिश हुई, हालांकि बारिश एक तरफ हल्की हुई और इससे गर्मी से लोगों को निजात ज़रूर मिली, लेकिन अगर बात मानसून सत्र की करें तो आज चौथा दिन रहा और आज चौथे दिन भी हंगामा होता रहा, लेकिन इससे इतर प्रश्नकाल भी चला और प्रश्नकाल में सबसे पहला अगर कोई प्रश्न आया तो वो जल समस्या को लेकर आया। और जल समस्या जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन चांपा कल से पानी नहीं मिल रहा है, एवन इफ की अगर बात करें तो जो नाले हैं उसमें भी पानी नहीं है, बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति में लोगों को जल समस्या से दो चार होना डेली पड़ रहा है। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो आज विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, क्या कुछ हुआ इस पर चर्चा, किस तरीके से जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जरा वो सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में हाथ जोड़ करके लोगों से अपील किया कि जो हालात उत्पन्न हो रही है जल संकट को लेकर के, इसमें सबका सहयोग चाहिए और आहार पोखर की बड़े पैमाने पर सफाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा कि आहार पोखर की पैसा की उपलब्धता पर सफाई हो रही है। महोदय, 24/9/2018 को हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और हमने कहा था कि संपूर्ण मगध प्रमंडल पूरे बिहार में जल संकट उत्पन्न हो रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर नहर आहर पोखर की सफाई होनी चाहिए। यह पत्र है हमारा। जब हमने विभाग को यह पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय से गया और जब मैं माननीय प्रधान सचिव से मुलाकात करके हमने उनको अवगत कराया कि पूरे मगध प्रमंडल, चाहे सासाराम हो, गया हो, नवादा हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, ये सभी जगह विगत 30 से 40 वर्षों से नहर आहर पोखर की खुदाई नहीं हो रही। खुदाई किसकी हो रही है? जो संवेदक माननीय मंत्री के ऑफिस में जाते हैं और वह च्वाइस करते हैं कि इसी नहर आहर की टेंडर निकाली जाए। प्रश्न हमारा यही है महोदय कि जब जल संकट की संचय का जब स्थिति उत्पन्न हुई है तो इन माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहिए कि हम जल संकट जो उत्पन्न हो रही है, हम पूरे मगध प्रमंडल में इसका निवारण कैसे करेंगे। बालू का भी वही है महोदय। अब ये कहेंगे कि बालू का हमारा विभाग नहीं है, जिस तरह से नदियों में बालू का उठाव हो रहा है, लगातार जल स्तर जो है चला जा रहा है, इंसान को पानी पीने की व्यवस्था नहीं। पूछिए मंत्री जी, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे जब मगध प्रमंडल में, हमको गया जिला में जब ये मिला कि ये आहर की सफाई अविलंब हो जानी चाहिए, प्रधान सचिव का पत्र प्राप्त हुआ कि पैसा की उपलब्धता नहीं है। महोदय, सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार, पैसा का यह मामला कहां आता है? ये पैसा का मामला है। इन्होंने कहा कि पैसा की उपलब्धता पे हम करेंगे, तो पैसा नहर आहर की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया, क्या इसका वह अविलंब निवारण इसका करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। मैं अब दूसरा मंत्री जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, एक मिनट, ये माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रश्न काफी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण भी है। इसी क्रम में हम एक सूचना भी देना चाहते हैं सदन को और आप सभी माननीय सदस्यों को कि आप सब भी, काफी लोग इसमें से, जो सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था उसमें आप उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी घोषणा की है कि सरकार इस संबंध में जो आसन्न सूखे की स्थिति है या संभावित है, कम वर्षा हो रही है, या जो जल ग्रहण के क्षेत्र हैं उसमें जो लगातार कमी होते जा रही है, इसके मद्देनजर जो आपके अनुभव हैं या सरकार की जो अभी तक की नीति या कार्यक्रम है उसमें जो आपके सुझाव हैं, इसके संबंध में एक व्यापक चर्चा करने का प्रस्ताव सरकार ने और मुख्यमंत्री जी का आया था, आप लोगों के साथ सदन में भी बोले थे, और इस संबंध में हमने विभिन्न दलों के नेताओं से भी परामर्श किया है और फिर सरकार से परामर्श करके अगला 13 तारीख जो है, 13 जुलाई शनिवार का दिन है, उस दिन सेंट्रल हॉल जो आपका विधानसभा का है उसमें 10 बजे दिन से लगातार पूरे दिन
और सरकार या मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने सदस्य इसके संबंध में अपने क्षेत्र की बात या कोई मतलब नीतिगत स्तर की बात जो सुझाव देना चाहते हैं, जो अपना परामर्श देना चाहते हैं, वो उस दिन खुलकर इस पर चर्चा होगी। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सभी माननीय सदस्यों से परामर्श करके इस स्थिति से निपटने के लिए या जो सूखी लगातार कम बारिश के कारण जो जलस्तर भूगर्भ जलस्तर घटता जा रहा है, और उसके पहले अगर उसके पहले जाए जो आदमी लिख के देना चाहते हैं, अगर पहले लिख के दे दीजिएगा तो विभिन्न विभाग के लोग उस दिन उस पर अपना रिस्पॉन्स भी दे देंगे। अगर आप पहले लिख के देते हैं, पूरे दिन की चर्चा है, इसलिए आप तमाम माननीय सदस्यों से मेरा भी आसन के तरफ से अनुरोध है, क्योंकि एक गंभीर विषय पर गंभीर पहल की है सरकार ने, और उसमें हम सबों को मिलकर, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है और उसमें हम लोग कैसे निपटे, इसके उपाय हम लोग बैठ के इस पे के बारे में विमर्श करेंगे और निकालेंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, सरकार सजग है, तत्पर है। महोदय, जो हमारा बजट है उसके तहत महोदय पटना जिला में 17 वर्तमान वित्तीय वर्ष में महोदय अभी जो 19-20 चल रहा है, जहानाबाद में 13, अरवल में 8, गया में 26, नवादा जिला में 18, नालंदा में 8, भोजपुर में 8, बक्सर में महोदय 4, रोहतास में 10, कैमूर में 16, औरंगाबाद में 8, जमुई में 21, शेखपुरा में 17, लखीसराय में 8, भागलपुर में 3, बांका में 22, सहरसा में 2, मधुबनी में 1, बेतिया में 1, मोतिहारी में 1, यानी कुल 202 योजना पर महोदय काम चल रहा है। और महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को कि 10 से 12 वित्तीय वर्ष में महोदय आहार पान 60 का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें 22,095 हेक्टर में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की गई, जो योजना पूर्ण है महोदय। फिर 12 से 17 जो द्वितीय कृषि रोड मैप था महोदय, उसमें 406 योजनाएं ली गई, जिसमें 1,87,700 हेक्टर जमीन में पानी की उपलब्धता कराई गई। और महोदय, ये योजनाएं पूर्ण हो गई। फिर 17 से 18 में 88 योजनाएं महोदय ली गई है, और 21,330 हेक्टर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है, और योजनाएं पूर्ण हो गई है महोदय। 116 करोड़ की राशि खर्च हुई है महोदय। 18 से 19 ईस्वी में 100 योजनाएं ली गई थी, जिसमें 29,876 हेक्टर में सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई, और 155 करोड़ रुपए महोदय उस पर खर्च हुए योजना। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।